आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक कुंदरकी के गांव मोहम्मदपुर बस्तौर पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 8 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से 15 किलोमीटर है। 5000 वोट और 15000 की जनसंख्या वाले इस गांव की बागडोर इंद्रपाल सिंह संभाले हुए हैं। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर गाँव की कमान इनके हाथों में सौंप दी है। इन्होंने भी जिम्मेदारी को निभाते हुए गाँव में काफी अच्छा विकास कराया है। ग्राम प्रधान इंद्रपाल सिंह और सचिव नित्यानंद के द्वारा स्कूल के सौंदर्यकरण के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। 4 वर्षों में इन्होंने किस तरह से गांव को सजाया है और क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद है ब्लॉक कुंदरकी के मोहम्मदपुर बस्तौर ग्राम पंचायत में। यहाँ प्रधान द्वारा अब तक काफी विकास करवाया जा चुका है, जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। 4 साल आपके कार्यकाल को पूरे बीत चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य अपने गांव में आपने करवाए? गांव के सारे रास्ते और टॉयलेट है जी, ओडीएफ हो गई, टॉयलेट हो गई जी, और हमने पेंशन है जी, और किसान निधि, लाइट वाइट, ये बच्चों को फ्री कनेक्शन कराए जी, जो सरकार ने कनेक्शन जो मुफ्त में दिए हैं वो सभी को यहाँ मिले हैं, सभी को मिले हैं। गैस कनेक्शन के फ्री मिले हैं जो मोदी के द्वारा जी, और हमारे गांव को सभी लोगों को विकास हो चुका है। बाकी जो रह गया आगे प्रयास है, जैसे बचे हुए समय में जो इसमें पूरा हो जाएगा। आवास मिले हैं ग्राम पंचायत में? आवास मिले हैं जी, हमारे 10 आवास मिले हैं, वो 5-3 हमारे गाँव में, 3 रुपये में 2 मिले जी। जैसे यहाँ पर सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट वगैरह लगवाई हैं? सोलर स्ट्रीट लाइट हमने नहीं लगवाई, हमने गांव के रास्ते कराए हैं, सोलर लाइट स्ट्रीट लाइट हमारे को जोड़ लिया। रास्ते आपके गांव में लगभग सभी पक्के हो चुके हैं या अभी भी कुछ कच्चे बाकी हैं? हमारे गांव में सब लोग पक्के हो चुके हैं, कुछ और मंजिल में रह गए, थोड़े बहुत करा देंगे आने वाले। जी जी, यहाँ स्कूल में कायाकल्प के अंतर्गत क्या क्या काम करवाया गया? काया स्कूल पे हमने कायाकल्प स्कूल करवा दिया, स्कूल में काम चल रहा है, उसकी 4 दीवारी करा दी है, उसमें टंकी फिटिंग करा रहे हैं, स्कूल में काम चल रहा है इस समय, और हमने पहले भी करा दिया जो बच्चा था, अभी काम उसमें जारी है, चल रहा है जी। यहाँ सरकारी बिल्डिंग में जैसे स्कूल के अलावा बारात घर, पंचायत भवन कई बने हुए हैं गाँव में? पंचायत घर कुछ नहीं बना। अस्पताल? नहीं, अस्पताल में सुना थोड़ा जन सौ के अंदर, मतलब कितनी दूर यहाँ से? यहाँ से करीब 12 किलोमीटर। आप ही की ग्राम पंचायत में? हाँ, ग्राम पंचायत में रहता हूँ जी। वहाँ डॉक्टर वगैरह बैठते हैं, दवाइयाँ मिल जाती हैं? ना, वो डॉक्टर वैसे अभी ठीक है, हमने फोन कर दिया जी जी, मतलब मरीजों को दवाइयाँ नहीं मिल पाती है वहाँ पर ठीक करवाने के लिए जी। तो आपने कभी इसके लिए कोशिश की कि यहाँ पर डॉक्टर नियुक्त किए जाए? कई बार लिख के भी बोलता हूँ, हमारे डॉक्टर बैठे जी, कोई अभी कोई वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं कर। यह शमशान घाट, कब्रिस्तान वगैरह बने हुए हैं? शमशान कब्रिस्तान हमारे उसकी पहली बाउंड्री हुई है, शमशान घाट हमारे यहाँ है, उसको हमने अपने पास से शमशान घाट बनवाया। आपने अपनी अपने कार्यकाल का अब अपने गांव को और सुंदर और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग सरकार से रखना चाहें? हम अपने गांव को प्रमुख, हमारे गांव का मेन रास्ता है, वो सबसे पहले खराब में विधायक से भी कह चुके हैं, सांसद से भी कह चुके हैं, अपनी जब शिकायत कर चुके हैं, मेन रास्ता हमारे गाँव का सबसे समस्या बोल पीडब्ल्यूडी में आता है। पीडब्ल्यूडी जी जी, इसके लिए आपने शिकायत की है लेकिन अभी तक कोई भी इसका समाधान नहीं मिल पाया है जी। इसके अलावा बारात घर, पंचायत घर भी आप चाहेंगे कि यहाँ पर बने? बने जी। कितने परिवार यहाँ ऐसे होंगे जिन्हें आवासों की जरूरत है? ऐसे इसमें हमने लिस्ट बना रखी है, परिवार लिखे आवास तो कम से कम 40-50 परिवार हैं जो आवास मिले जी जी। ओवरहेड टैंक के लिए क्या कहना चाहते हैं आप यहाँ पर? टंकी जी, टंकी के लिए आप चाहते हैं कि यहाँ ओवर टंकी भी बन जाए तो लोग फायदा हो जाएगा, उससे पानी सही मिलेगा, सही मिलेगा, जितना बर्बाद होता है समर से भी गाँव में लोग चलाते हैं, उससे पानी बर्बादी हो जाएगी जी। साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है? साफ सफाई की हमारी सफाई सुनने वाली है, सुबह मिलेगा तीनों गाँव का सफाई सबसे बिल्कुल एकदम समय पर आ रहे हैं सब नियमित। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, इन 4 सालों में काफी विकास इनके द्वारा यहाँ करवाया गया है। जैसे सीसी टाइल्स का भी लगभग 80% रास्ते यहाँ पक्के हो चुके हैं, जो बाकी हैं उन्हें भी बचे हुए कार्यकाल में पूरा करने की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा शौचालय से भी गाँव पूरी तरह से ODF हो चुका है, आवाज भी यहाँ कुछ लोगों को मिले हैं, स्कूल में भी कायाकल्प के अंतर्गत काफी काम करवाया गया है, प्रधान द्वारा प्रधान के कार्यकाल में ही यहाँ शमशान घाट का निर्माण भी कराया गया है। लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं यहाँ मौजूद हैं जिससे लोग जूझ रहे हैं, जैसे कि बारात घर, पंचायत भवन को लेकर यहाँ मांग रखी है जिसका निर्माण होना यहाँ बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो सबसे प्रमुख समस्या यहाँ पर सामने आई है और प्रधान का मानना है कि कई बार यहाँ जो गांव का मेन रास्ता है उसे लेकर के कई बार शिकायत की जा चुकी है उसके निर्माण के लिए, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई या सुनवाई यहाँ नहीं हुई है। शासन या प्रशासन किसकी लापरवाही है, क्यों कुछ नहीं हुआ, इसके बारे में जानकारी आगे जो है शासन ही दे सकते हैं। अच्छा, फली के साथ मनाजरी टुडे 24 से।
क्या नाम है आपका? हेमकरण जी, बताइए 4% विकास को लेकर क्या कहना चाहोगे? सब बढ़िया, विकास बढ़िया हो गया। किस तरह से? सब बढ़िया विकास, सब गली गली पूछे, सब विकास करा दी प्रधानी ने। टाइम देते हैं गाँव के लिए ग्राम प्रधान? हाँ, सहमत हो उनके कार्यकाल से? बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल।